शासन के निर्देश पर लगाया गया कोरोना आंशिक कर्फ्यू का असर रविवार को भी देखने को मिला। महानगर के कई चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान अम्बेडकर चौराहे पर अनावश्यक रूप से घूमने वालों की चेकिंग भी की गई। गोलघर में सभी दुकानें बंद रही। इसके अलावा सड़कों पर कुछ वाहनों का आवागमन जारी रहा। रात्रि में भी महानगर के प्रमुख चौराहों पर आंशिक कर्फ्यू का असर देखने को मिला, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आंशिक कर्फ्यू में जिले के सभी नागरिकों ने पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घरों से बेवजह बाहर ना निकले। अगर कोई आवश्यकता हो तभी बाहर निकले। बेवजह बाहर घूमने वालों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है तथा 188 के तहत मुकदमे भी लिखे जाएंगे और चालान भी किया जाएगा। एडीएम सिटी ने कहा कि कोरोना से बचाव ही सुरक्षा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आगे चलो किनारे किनारे लगा लो, किनारे साइड में लगा लो, घर पे ना साइड में करेगा साइड में। के विषय में सभी लोगों ने, गोरखपुर के सभी निवासियों ने पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया है, आगे भी करें क्योंकि बचाव ही केवल सुरक्षा है। इसलिए पूरी तरह से अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को और अपने सभी मोहल्ले वासियों को सुरक्षित रखने के लिए घर से बेवजह मत निकले। केवल दवा लेने के लिए कोई आवश्यकता है तो घर का एक ही व्यक्ति निकले,
बाहर घूमने के लिए कोई भी व्यक्ति ना निकले। सर पुलिस चालान भी कर रही है, पुलिस चालान भी कर रही है, पुलिस 188 के मुकदमे भी दर्ज कर रही है, सख्ती से कार्रवाई कर रही है।